का व्यू रहा, सामने आपको बॉर्डर दिखेगा एंड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी आप कुछ भी प्राइस पे सेल आउट कर सकते हैं। ये रहा प्राइस, पेमेंट प्लान है 2080 का पेमेंट प्लान चल रहा है, 3070 का है। हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसा आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी बेस्ट होंगे। तो गाइस, आपने बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर भी रिसेंट में देखी होगी, न्यू प्रोजेक्ट लॉन्चेस, न्यू आइए आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट दिखाता हूँ। आप लोग की काफ़ी डिमांड थी कि द्वारका एक्सप्रेस वे पे M3M कैपिटल सेक्टर 113 एंड M3M कैपिटल वॉक सेक्टर 113 दोनों में अंतर क्या है वो पहले बता देता हूँ। M3M कैपिटल रेसिडेंशियल है, जो कि 13 टावर है, सेक्टर 113 में ही है, एंड कैपिटल वॉक कमर्शियल है, जो कि फ्रंट में है कैपिटल के। तो दोनों का कंस्ट्रक्शन अपडेट आपको दिखाऊंगा। एज ए बायर आपकी बहुत सारी डिमांड आ रही थी ओवर द कॉल एंड कमेंट बॉक्स में कि प्रॉपरली मुझे आप कंस्ट्रक्शन अपडेट दिखाइए कैपिटल की, उस सराउंडिंग का कि क्या कंस्ट्रक्शन हुआ है M3M कैपिटल का। तो गाइस, आपको थोड़ा लोकेशन का बता दूं, लोकेशन आपको पड़ता है सेक्टर 113 गुड़गांव के अंदर, टोटली 115 सेक्टर है। ये आपको सेक्टर आता है बिल्कुल बॉर्डर पे, दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर आता है, यानी कि दिल्ली से आप आएंगे तो राइट साइड में 113 सेक्टर आता है, लेफ्ट में 111, इधर से आप गुड़गांव से जाते हैं तो लेफ्ट में 113, राइट में 111, तो दोनों सेक्टर मिलाकर M3M के पास 276 एकड़ आसपास लैंड बैंक है, जो कि 3 से 4 प्रोजेक्ट वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। M3M कैपिटल एंड क्राउन एंड 1DX भी देखा जाए तो एक तरह से इन्हीं की कंपनी है, सिस्टर कंसर्न कंपनी है, तो वो भी है। उसके बाद SCO है, और भी है प्रोजेक्ट वहाँ पे जो कि डेवलप कर रहे हैं, 114 में भी इनका प्रोजेक्ट है। तो 113 में आता है बॉर्डर आता है, वहाँ पे MCD का आज के डेट में टोल है, टोल आने वाला है, वहाँ पे टोल लग जाएगा। फिर जो मानेसर का टोल है वो आपको शिफ्ट हो जाएंगे, पंचगांव के आसपास में जाएंगे यहाँ से। तो ये चीज़ें हैं यहाँ का अपडेट। बाकी लोकेशन देखते हैं, बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे है, सेक्टर 113 काफ़ी प्राइम लोकेशन है। आप अगर साउथ दिल्ली से एंट्री करते हैं, SPR रोड से कनेक्टिविटी, साउथ गुड़गांव के अंदर एक SPR रोड है जिससे साउथ से कनेक्ट करता है, एंड द्वारका एक्सप्रेसवे का शॉर्ट नेम है NPR, नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड। तो ये आता है NPR पे, द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जो कि M3M का प्रोजेक्ट है, सेक्टर 113 है, कैपिटल नेम से प्रोजेक्ट है, 13 टावर है, G+36 स्टोरी हाइट है, एक फ्लोर पे 4 यूनिट है, 2.5 BHK, 3.5 BHK का दो साइज है, 4.5 BHK एंड 4.5 BHK प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट आपको देखने को मिलेगा। टोटल 13 टावर में मोस्टली सोल्ड आउट, थोड़ी बहुत इन्वेंट्री है। स्टार्टिंग में 9000 के रेट पे प्रॉपर्टी सेल आउट होना स्टार्ट हुआ था 2 साल पहले, आज के रेट में यहाँ पे 22 से 23 हज़ार का रेट है अप्रॉक्स, जो बिल्डर का प्राइस है। रीसेल मार्केट में डिपेंड करता है एज ए बायर आपकी प्रॉपर्टी 2080 एंड 2298 का साइज है M3M कैपिटल में, उसके बैक साइड में EWS है। तो कंस्ट्रक्शन अपडेट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सेक्टर हमने बता दिया, एयरपोर्ट बिल्कुल पास में है, लोकेशन थोड़ा बता देता हूँ, एयरपोर्ट बिल्कुल पास में है, ICC है, यशो भूमि है, ये सब नियर बाई सराउंडिंग में है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो इस टाइप की लोकेशन होने वाली है, बहुत ही प्रीमियम लोकेशन है। इस सराउंडिंग में और भी बहुत सारा प्रोजेक्ट है जिसकी प्राइस थोड़ा अप डाउन में है। अगर आप प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं यहाँ पे 3.5 करोड़ से लेकर स्टार्टिंग है आज के रेट में यहाँ पे, उससे नीचे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। रेसिडेंशियल में, कमर्शियल में आपको छोटी इन्वेस्टमेंट से लेकर बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये इसका रहा इस प्रोजेक्ट का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू, ओवर ऑफ व्यू। बाकी आइए हमको आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट दिखाते हैं एंड वहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ऑलराइट गाइस, मैं आ गया हूँ अब ड्रोन शॉट्स पे। ये रहा आपको M3M कैपिटल का व्यू, कुछ इस तरह का व्यू है। कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं फुल फ्लेज में है, 24/7 कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बीच में कुछ कुछ NGT की तरफ से आदेश आता है तो रुकता है कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे देखें टावर T2 का कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, 13 फ्लोर तक चल रहा है एंड ये सारे टावर का है। सराउंडिंग में आप मायमन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, सराउंडिंग में आप देख सकते हैं क्रेन वगैरह भी लगा हुआ है। तो इस टाइप का लोकेशन आपको गुड़गांव के अंदर एम्बियंस मॉल, आप साउथ दिल्ली से आप एंट्री करते हैं जैसे, वहाँ पे देखने को मिलता है। उससे भी टॉप क्लास की लोकेशन ये होने वाली है, क्योंकि द्वारका में जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि DDA की लैंड है वहाँ पे, कुछ उस तरह का अवेलेबिलिटी नहीं है। तो द्वारका के, दिल्ली के जो भी बायर हैं वो गुड़गांव के अंदर एंट्री करते हैं तो प्रॉपर्टी का रेट और भी ज़्यादा अप्रिशिएट करता है। टॉप एम्बेसी भी द्वारका में आके शिफ्ट हो रही है, तो ये सब चीज़ें बहुत प्लस पॉइंट है गुड़गांव के अंदर प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करने का। आज के रेट में मेट्रो भी पास आउट है 28 किलोमीटर का एंड 17 किलोमीटर का एंड सेकेंड 13 किलोमीटर का, तो ये प्लस पॉइंट है। बाकी ये कंस्ट्रक्शन अपडेट रहा M3M कैपिटल का, रेसिडेंशियल का। नीचे आपको कैपिटल वॉक का भी कंस्ट्रक्शन अपडेट देखने को मिल रहा होगा, ये सराउंडिंग में आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन अपडेट।
तो माई वन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, इसमें सीलेंट वगैरह का चांसेस नहीं होता है। 5C का कंस्ट्रक्शन है, 32 फ्लोर तक इसका कंस्ट्रक्शन हो चुका है, बाकी कंस्ट्रक्शन इसका चल रहे हैं, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। प्राइस लेवल भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉपर्टी के अप्रिशिएट कर चुका है, क्योंकि रीज़न इन द बिहाइंड की लोकेशन के आसपास में जिस तरह की डेवलपमेंट होगी, गवर्नमेंट जिस तरह का अप्रूवल लेके आती है उसके हिसाब से प्राइस यहाँ पे अप्रिशिएट करता है। इनके पास खुद प्लस पॉइंट है कि SCO मार्केट है, सौ कॉम ऑफिस, अच्छी खासी लैंड बैंक है, तो वहाँ पे SCDA यानी कि स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट के नेम से टाउनशिप बसा रहे हैं। अंदर का व्यू है आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह का कैपिटल का सामने का है। नीचे आपको कैपिटल वॉक करके कमर्शियल है, उसका भी आप कंस्ट्रक्शन अपडेट देख सकते हैं। सामने राइट साइड में द्वारका एक्सप्रेसवे का व्यू देख सकते हैं, जिसपे व्हीकल मोमेंट्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये आपको फ्रंट रहा, ये नीचे कैपिटल वॉक है जिसका फ्रंट आप देख रहे हैं, फ्रंटेज का व्यू है। तो इसको भी कुछ शॉप हैंड ओवर इन्होंने किया हुआ है, क्योंकि इसका भी फेज 850 के आसपास शॉप है कैपिटल वॉक में, जो कि फुल्ली कमर्शियल है। लोअर ग्राउंड फ्लोर, अपर ग्राउंड, ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड का कॉन्सेप्ट है इसमें, सेकेंड पे फूड कोर्ट है। तो इसका भी प्राइस लेवल अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। स्टार्टिंग में इसका UI गया था 9000 के रेट पे, आज के रेट में कैपिटल का जो कि रेजिडेंशियल है उसका रेट जा रहा है 22 से 23 हज़ार का रेट है बिल्डर का प्राइस। तो यूनिट इनके पास बची नहीं है, सोल्ड आउट है। अंदर का आप चीज़ें देख सकते हैं डेवलपमेंट, ये राइट साइड में आप देख रहे हैं SCO मार्केट है यानी कि सॉप कॉम ऑफिस, सामने द्वारका एक्सप्रेस वे है, सामने पुरी का प्रोजेक्ट है, पुरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स एक्सप्रेस वे पे आप फुटफॉल देख सकते हैं, व्हीकल मोमेंट्स की बहुत ही ज़्यादा है। तो फ्यूचर में आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा अप्रिशिएशन आएगा। सामने इसके जो एक्सप्रेस वे हैं आप जैसा स्क्रीन पर व्यू देख रहे हैं, लोकेशन नो डाउट बहुत ही प्राइम लोकेशन है, SCDA यानी कि स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट के नेम से टाउनशिप आपको डेवलप कर रहे हैं। इतना अच्छा लैंड बैंक गुड़गांव के अंदर किसी डेवलपर के पास इस लोकेशन पे नहीं है, जो कि M3M के पास है, ब्रांड वैल्यू है। बाकी इन्होंने SPR रोड पे काफ़ी प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किया हुआ है, गोल्फ कोस्ट रोड पे, गोल्फ कोस्ट एक्सटेंशन रोड पे। बाकी इनका एक आपने प्रोजेक्ट देखा होगा सेक्टर 66 में है, जो कि IFC नेम से है, जहाँ पर इनका CRM ऑफिस है, तो उसका भी आप ज्वाइंट वेंचर है स्मार्ट वर्ल्ड M3M किया हुआ है। सामने लेफ्ट साइड में द्वारका एक्सप्रेस वे व्हीकल मोमेंट देखें, लोकेशन नो डाउट जब डिलीवर्ड होगा चीज़ें आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपको डिलीवर्ड करेंगे M3 वाले ने। तो ये आप देख सकते हैं, अगर मिस कर गए अपने प्रॉपर्टी यहाँ बाय करने के लिए तो आप आज के रेट वैल्यू पे आप एंट्री कर सकते हैं, यानी कि 3.5 करोड़ से स्टार्टिंग हो जाता है आज चीज़ें। और अंदर जाते हैं तो कुछ द्वारका एक्सप्रेस वे पे कम प्राइस में भी अपने पास चीज़ है, रेड मूव भी है, अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, एक आप देख सकते हैं काफ़ी बेस्ट है। तो बाकी आपने देख लिया M3M कैपिटल का व्यू एंड कंस्ट्रक्शन अपडेट, पूरे टावर का भी आपने देख लिया, कैपिटल वॉक का भी देख लिया। बाकी गाइस हम इसमें आपको यही बोलूँगा कि कोई कन्फ्यूजन हो पेमेंट प्लान से रिगार्डिंग, फर्स्ट टाइम आप वीडियो वॉच कर रहे हैं, कोई भी इसमें प्रॉपर्टी बाय करना है या द्वारका एक्सप्रेस वे पे आपको देखना है कोई भी डेवलपर से रिलेटेड, तो आप प्रॉपरली कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, टीम आपसे 24/7 में कॉन्टेक्ट कर लेगी, नहीं तो #M3M कैपिटल या #M3M कैपिटल वॉक करके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टीम आपसे प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर लेगी। बाकी मैं वीडियो यहीं करता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।